मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टडी अबाउट अ पोयम आफ्टर अ बाथ यर इज अ पोयम द नेम ऑफ द पोएम इज आफ्टर अर्थ आज हम एक कविता कविता का नाम है आफ्टर अर्थ तो आफ्टर अर्थ का मतलब है आफ्टर अ बाथ मीन्स नहाने के बाद आफ्टर अ बाथ का मतलब नहाने के बाद सो बिफोर बिगनिंग दोयम लेट्स कम टू द न्यू वर्ड्स लेटस अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स तो हम कुछ नए शब्द समझ लेते हैं जिनके मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट वर्ड इज़ डॉग डॉक का मतलब क्या है आप सभी ने देखा होगा डॉक का मतलब है कुत्ता कुत्ता आप तो देखते होंगे बाहर स्ट्रीट्स पे आपने देखा होगा गली पे देखा होगा आ, बहुत सारी जगह पे आपको डॉग्स दिखाई देते हैं डॉग डॉग मतलब कुत्ता यहाँ पर एक डॉग का छोटा सा फ़ोटो भी है चित्र भी है आप देख सकते हैं नेक्स्ट इज़ हाउ 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 मीन्स क्या हाउ हम कब यूज़ करते हैं जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं हाउ आर यू आप कैसे हो नेक्स्ट वर्ड इज़ मेट मेट सो met मतलब क्या मिलना मेट मतलब मिलना आई मेट माई फ्रेंड तो आई मेट माई फ्रेंड का मतलब क्या हुआ मेट का मतलब हुआ मैं अपने दोस्त से मिला मेट का मतलब हुआ मिलना ट्राई ट्राई मीन्स कोशिश कोशिश करना टू द नंबर टू छोटा सा एक चित्र भी है दो बटरफ्लाइज है टू बटरफ्लाइज टू सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द पोएम एन्जॉय दिस पोयम मैं कविता पढ़ रही हूँ आप सब ध्यान से सुनिए लेट्स एन्जॉय द पोएम लिसन टू इट केयरफुली सो द नेम ऑफ द पोएम इज आफ्टर अ बाथ आफ्टर माई बाथ आई ट्राई 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 टू वाइप माई सेल्फ ट्राई ड्राई ट्राई तो यहाँ पे इस पेज पे आप एक चित्र देख सकते हो एक छोटा बच्चा है एक छोटा लड़का है वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि आफ्टर माई बात आई ट्राई 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 टू वाइप माई सेल्फ एम ड्राई ड्राई ट्राई तो वो बच्चा कह रहा है कि मैं, मैं जब नहा लेता हूँ जब मेरा नहाना हो जाता है तब मैं ट्राई करता हूँ कोशिश करता हूँ क्या कि मैं अपने आप को वाइप करके ड्राई कर लूँ ड्राई करूँ ड्राई का करू। कर मतलब सूखा करूँ अपने आप को जब आप सब नहा लेते हो तो आप क्या करते हो टावल से अपने बॉडी को बोझते हो तो क्या होता है आप ड्राई हो जाते हो वैसे ही ये लड़का कह रहा है कि नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को ड्राई करने के लिए टावल से सूखा करने के लिए दिस वॉज द फर्स्ट पैराग्राफ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पैराग्राफ द नेक्स्ट पैराग्राफ हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोस एंड टू वेट लेग्स एंड शाइनी नोस तो वह बच्चा छोटा बच्चा इसी पेज में आप देख सकते हैं वो छोटा बच्चा एक छोटा लड़का है वो कह रहा है कि नहाने के बाद मैं अपने आप को टावल से सूखा करने की कोशिश करता हूँ मैं क्या करता हूँ मैं अपने दोनों हाथ को पोछता हूँ अपने फिंगर्स को अपने टोज को और अपने दो पैर अपने दो पैर को पोछता हूँ और वो पोछ लेने के बाद मैं अपने नाक को पोछता हूँ शाइनी नोज़ मतलब नाक अपने नाक को पोछता हूँ तो वो बच्चा अपने हाथ को पोछता है अपने फिंगर्स अपने टोज अपने दोनों गीले पैरों को पोछता है और लास्ट में वो क्या करता है अपने शाइनी नोज अपने नाक को पोछता है कैसे पोछता है टावल से पोछता है लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पैराग्राफ द थर्ड पैराग्राफ इज़ जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई टेक इफ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक 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 तो वो छोटा बच्चा वो छोटा लड़का क्या कह रहा है वो छोटा लड़का जिसके हाथ में येलो कलर का टावल है आप देख सकते हैं उस फोटो में वो छोटा बच्चा क्या कह रहा है वो कह रहा है कि वो सोच रहा है कि अगर मैं एक डॉग डॉग होता तो मैं कितना कम टाइम लेता अपने आप को सुखाने में मैं शेक 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 करता और मैं जल्दी से सूख जाता कितना कम टाइम मुझे लगता अपने आप को सुखाने में सो so, I'm reading the poem once again. Listen to it carefully. After a bath After my bath I try, try, try To wipe myself till I'm dry, dry, dry Hands to wipe and fingers and toes And two fat legs and a shiny nose Just think how much less time I would take If I were a dog and could shake, shake, shake सो दिस पोएम इज रिटन बाई एल एन फिशर तो ये कविता किसने लिखी है ये कविता लिखी है एल एन फिशर ने यह कविता एल एन फिशर ने लिखी है लेट्स मूव ऑन टू आर फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज इज्स रीड्स रीड आई ट्राई टू से ट्राई मतलब क्या ट्राई मतलब मैंने आप सबको बताया था ट्राई का मतलब हुआ कोशिश तो आई ट्राई टू सेव वाटर उसका मतलब है मैं पानी सेव करने की कोशिश करता हूँ आई ट्राई टू सेव वाटर नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव टू ईर्स टू लेग्स टोज एंड वन नोज तो आई हैव टू ईर्स टू लेग्स टोज एंड वन नोज मेरे पास दो कान हैं दो पैर हैं है टोज एंड वन नोज एक नाक है लेट्स मू वॉन्ट टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज ऑन द नेक्स्ट पेज नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज लेट्स टॉक हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है लेट्स टॉक तो फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक टू हैव अ बा से बाई तो आप सभी को नहाना अच्छा लगता है और नहाना अगर अच्छा लगता है तो आपको नहाना क्यों अच्छा लगता है फर्स्ट क्वेश्चन है आपको नहाना अच्छा लगता है और अगर अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है तो आप सभी क्या लिखेंगे आप सभी लिखेंगे इसका आंसर हुआ यस आई लाइक टू हैव अ बाथ यस आई लाइक टू हैव अ बाथ बिकॉज इट कीप्स मी क्लीन एंड हेल्दी तो आप सभी क्या लिखेंगे हाँ मुझे नहाना अच्छा लगता है क्योंकि नहाने से मैं तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता हूँ और साफ सुथरा भी रहता हूँ ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू बात योर सेल्फ क्या आप खुद नहा सकते हैं आप इसका आंसर क्या लिखेंगे हाँ मैं खुद नहा सकता हूँ यस, आई कैन बात माई सेल्फ नेक्स्ट इज हाउ डू यू ट्राई योर सेल्फ़ तो आप सब अपने आप को कैसे सूखा करते हैं नहाने के बाद आप टावल से पोछते हैं ना अपने आप को तब आप ड्राई हो जाते हो पोछने के बाद तो आप लिखेंगे कि आई ड्राई माई सेल्फ विथ अ टावल आई ड्राई माई सेल्फ विथ अ टावल मैं अपने आप को टावल से सूखा करता हूँ लास्ट क्वेश्चन हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इट्स सेल्फ क्या आपने एक एनिमल को अपने आप को सूखा करते हुए देखा है मैंने तो देखा है मैंने एक डॉग को देखा है वो अपने आप को शेक करता है और वो सारा पानी झड़ जाता है और वो सूख जाता है तो आप सब लिखेंगे यस यस आई हैव सीन एन एनिमल ड्राइंग इट्सल्फ ठीक है मैंने एक आनि, मैंने एनिमल्स को देखा है अपने आप को सूखा करते हुए ओके okay, ठीक है बच्चों तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट्स शेयर लेट्स शेयर पुट पुट अ सर्कल अराउंड वॉट यू डू आफ्टर अ बाथ तो आपको एक गोल आकार करना है कि आप नहाने के बाद क्या करते हैं यहाँ पे दो चीज़ें लिखी गई हैं मैं पढ़ रही हूँ सुनिए थ्रो द वेट टावल ऑन द फ्लोर हैंग द वेट टावल टू ड्राई तो अपना आने के बाद क्या करते हैं अपने टावल को फ्लोर पे फेंक देते हैं या अपने टावल को सूखा होने के लिए आप बाहर डाल देते हैं क्या करते हैं मैं तो अपने टावल को बाहर सूखा होने के लिए रख देती हूँ तो आप आप सभी क्या करते हैं ये आप यहाँ पर गोल आकार करके बताइए थ्रो द वेट टावल ऑन द फ्लोर और हैंग द वेट टावल टू ड्राई तो अब यहाँ पर गोल आकार करके बताइए ऑल राइट रिडल टाइम रिडल टाइम आई हैव टीथ सो शार्प बट आई नेवर बाइट वॉट एम आई तो यहाँ पर एक रिडल दिया दिया गया है आई हैव टीथ सो शार्प बट आई नेवर बाइट वॉट एम आई तो यहाँ पर आप सभी सोचिए कि किसका ऐसा शाप तीत होगा और वो बाइट भी नहीं करता होगा क्या होगा क्या होगा, क्या होगा इसका जवाब क्या होगा तो व्हाट एम आई तो इसका जवाब है कोम्ब कोम्ब तो आप सभी यूज़ करते होंगे अपने बाल बनाने के लिए कोम्ब मतलब कंघी कंघी अपने बाल आपकी सबकी मम्मियाँ आपको बना देती होंगी बाल तो इसका जवाब है कोम्ब, कंगी कोम्ब सी ओ एम बी कोम्ब डू यू वेयर दीज थिंग्स तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है क्या आप ये सभी चीज़ें पहनते हैं ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड आपको लाइन्स बना के बताना है कि यस yes, आप ये सभी चीज़ें पहनते हैं और यहाँ पर आपको लाइन बना के इसे बताना है तो फर्स्ट क्या है फर्स्ट पिक्चर दिया गया है यहाँ पर टोटल छः पिक्चर दिए गए हैं तो फर्स्ट है क्या फर्स्ट है पैंट्स ट्राउजर्स तो फर्स्ट है ट्राउज़र्स आप ब्लू कलर की पैंट देख सकते हो तो आपको ब्लू कलर की जो पैंट है आपको मैच करना है किसके साथ ट्राउज़र्स ट्राउज़र्स के साथ तो लाइन बनाकर आप इसे ड्रॉ कर दीजिए लाइन ड्रॉ करके आप ट्राउजर्स को जॉइन कीजिए नेक्स्ट इज शूज़ शूज़ के साथ आप जॉइन कीजिए ब्लैक कलर के शूज़ आप देख सकते हैं थर्ड वन इज शर्ट एक येलो कलर की शर्ट आप देख रहे हैं शर्ट नेक्स्ट वन इज सॉक्स एस ओ सी के एस सॉक्स आप सॉक्स के साथ इसे मैच कर दीजिए दूसरा क्या है कैप सी ए पी कैप एक लाल रंग की टोपी आप देख सकते हो तो आप इसे ज्वाइन कर दीजिए कैप के साथ लास्ट वन इज बेल्ट बी ई एल टी आप इसे बेल्ट के साथ ज्वाइन कर दीजिए सो और नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन द नेक्स्ट पेज लेट्स डू मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू तो आपको मैच द फॉलोइंग करके आपको मैच करना है वन हैज़ बीन डन फॉर यू तो किसके साथ कौन सी चीज़ जाती है आपको बताना है एक आपके लिए ऑलरेडी कर दिया गया है एक आपके लिए ऑलरेडी कर दिया गया है फर्स्ट वन इज़ नीडल नीडल एंड क्या नीडल के साथ क्या होता है थ्रेड नीडल मतलब सुई सुई के साथ होता है धागा सुई धागा बैट बैट के साथ आप क्या करते हो आप बाहर खेलने जाते होंगे बैट क्रिकेट खेलने जाते होंगे तो बैट के साथ हुआ बॉल बैट बॉल सॉक्स सॉक्स मतलब मोजे सॉक्स आप किसके साथ पहनते हो सॉक्स पहन के आप शूज पहनते हो तो सॉक्स एंड शूज इट ओके okay, it. सॉक्स एंड शूज शर्ट शर्ट के साथ आप क्या पहनते हो शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहनते हो तो शर्ट एंड शॉर्ट्स नेक्स्ट इज bowl. B O W L. आप एक येलो कलर का कटोरा देख सकते हो बॉल तो बॉल के साथ क्या होता है स्पून स्पून मतलब चम्मच तो बोल एंड स्पून गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बी सी डी ई एफ और एक बार मैं पढ़ रही हूँ आप सुनिए ए बी सी टी ई एफ हमारी अगली एक्सरसाइज हेरी इज कहानी पढ़ेंगे कहानी का नाम क्या है कहानी का नाम है द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू ठीक है तो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी और बिफोर रीडिंग द स्टोरी लेट अस कम टू द न्यू वर्ड्स मैं कुछ नए शब्द आपको समझाऊंगी नए शब्द के मतलब आपको समझाऊंगी तो यह कहानी किसके बारे में है जैसे कि कहानी का हेडलाइन कहानी का टाइटल है द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू तो बबल का मतलब क्या है बबल का मतलब है बुलबुला ठीक है बुलबुला बुलबुला द स्ट्रॉ 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 तो स्ट्रॉ से आपने जूस पिया होगा फ्रूटी पी होगी ओके बच्चों तो स्ट्रॉ से हम क्या करते हैं स्ट्रॉ से हम जूस पीते हैं एंड द शू शू मतलब जूते जूते आप आप जूते और मोजे स्कूल पहन कर जाते हैं ना शू मतलब जूते अस अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स नाउ नए शब्द को समझ लेते हैं बैंक बैंक मतलब नदी के उस पार बैंक मतलब नदी के उस पार बबल बबल मतलब बुलबुला पानी से जो बुलबुला बनता है या फिर शैम्पू से बनता है और किसी भी लिक्विड सोप से किसी भी लिक्विड सोप से बुलबुला बन जाता है बबल बस्ट मतलब फूटना बस्ट मतलब फूटना क्रॉस क्रॉस मतलब पार करना क्रॉस रिवर रिवर मतलब नदी नदी भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं ठीक है बच्चों नदी रिवर शूज़ शूज़ ये पिक्चर में आप शूज़ की फोटो भी देख सकते हैं दो शूज़ है ब्राउन कलर के शूज़ बने हुए हैं शूज़ मतलब जूते स्प्लैश स्प्लैश मतलब छपाक जोर से जब कोई गिरता है या कोई वस्तु पानी में गिर जाती है तो जोर की आवाज़ आती है ना वही उसे ही कहते हैं स्प्लैश छपाक ओके सो लेट्स मूव ऑन टू आर स्टोरी आई एम रीडिंग द स्टोरी लिसन टू इट एंड एंजॉय द स्टोरी लिसन टू इट केयरफुली मैं कहानी पढ़ रही हूँ कहानी को ध्यान से सुनिए जॉय दिस स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम देर लिव अ बबल अ स्ट्रॉ एंड अ शू तो एक बार एक बबल एक स्ट्रॉ और एक शू रहते थे बबल मतलब बुलबुला बुलबुला बुल जैसे कि पानी का बुलबुला होता है बुलबुला स्ट्रॉ मतलब अब मैंने जैसे आपको कहा कि आप स्ट्रॉ से जूस पीते हैं फ्रूटी पीते हैं ओके एंड अ शू शू मतलब जूता ठीक है तो एक बार एक बुलबुला एक स्ट्रॉ और एक जूता ये तीन रहते थे वंस अपॉन अ टाइम देर लिव्ड अ बबल अ स्ट्रॉ एंड अ शू वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट एक दिन क्या हुआ एक दिन ये तीनों कौन तीनों बबल स्ट्रॉ और शू जंगल में गए ठीक है ये तीनों जंगल में गए बबल शू और स्ट्रॉ जंगल में गए दे केम टू अ रिवर दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट तो ये तीनों स्ट्रॉ बबल और शू एक बार नदी के पास आए और नदी के पास आके उनको पता चला कि उनको नदी पार करनी नहीं आती नदी के उस पार जाना उन्हें नहीं आता द शू सेड बबल लेटस फ्लोट ऑन यू तो जूते ने कहा जूते ने किससे कहा जूते ने बुलबुले से कहा कि चलो हम तुम्हारे ऊपर से नदी पार कर लेते हैं जूते ने बुलबुले से कहा बुलबुला बबल आप देख सकते हैं इसी पेज में तीन जन हैं तीन जन कौन बबल स्ट्रॉ और शू ये तीन जन आपस में बात कर रहे हैं और शू बबल से कह रहा है कि लेटस ऑन यू बुलबुला बुलबुले पे वो तैर जाएंगे शू कह रहा है किसे कह रहा है बबल से कह रहा है अस फ्लोट ऑन यू अब उसी पेज पे देख सकते हैं एक नदी है और वो शू और बबल एक दूसरे से बात कर रहे हैं शू बबल से कह रहा है जूता बबल से कह रहा है कि चलो हम तुम तुम्हारे ऊपर से ये नदी पार कर लेते हैं नेक्स्ट पेज नो शू लेट्स ड्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ

स्ट्रॉ को हम क्या करेंगे स्ट्रॉ को स्ट्रेच करेंगे स्ट्रॉ स्ट्रॉ से कहा कि स्ट्रॉ तुम नदी के इस पार और उस पार नदी के बीच तुम स्ट्रेच हो जाओ हम तुम तुम्हारे ऊपर से नदी पार करेंगे किसने कहा शू ने कहा तो क्या हुआ फिर उसके बाद सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर तो जब जूते ने कहा कि नहीं हम स्ट्रॉ के ऊपर से नदी पार करेंगे तो स्ट्रॉ ने क्या करा स्ट्रॉ स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच करता है कहाँ से एक नदी के इस पार से और उस पार नदी के बीच जो पान नदी और इस पार और उस पार के बीच जो पानी है ना वो स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच करता है इस पार और उस पार के बीच में जब स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच करता है वेन द शू जम्प ऑन द स्ट्रॉ इट ब्रोक तो जब स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है तो क्या होता है फिर वो शू शू मतलब जूता जूता क्या करता है जंप करता है स्ट्रॉ के ऊपर और जैसे ही जूता जंप करता है ना स्ट्रॉ के ऊपर तब क्या होता है स्ट्रॉ टूट जाता है स्ट्रॉ टूट जाता है द शू फेल इंटू द वॉटर विथ अ लाउड स्प्लैश तो जैसे ही शू स्ट्रॉ के ऊपर जम्प करता है कूदता है क्या होता है वो स्ट्रॉ टूट जाता है और जैसे ही वो स्ट्रॉ टूटता है वो जूते को क्या होता है जूता जोर से पानी में गिरता है जोर से और जैसे ही वो पानी में गिरता है जोर की आवाज़ आती है छपाक और इसी को कहते हैं स्प्लैश ओके बच्चों स्प्लैश फिर क्या होता है द बबल शुक एंड शुक विथ लाफ्टर एंड बस्ट विथ द बिग बैंग तो जैसे ही जूता स्ट्रॉ के ऊपर कूदता है वो स्ट्रॉ टूट जाता है और वो जूता जोर से पानी में गिरता है इसी को देख के बुलबुला ज़ोर जोर से हंसता है और हिलता है शुक लाफ्टर ज़ोर जोर से हंसते हुए हिलता है और हंसते हंसते वो फूट जाता है ज़ोर जोर से हंस के वो फूट जाता है और जैसा ही फूटता है एक जोर की आवाज़ आती है बुलबुला ये सब देखकर जोर जोर से हंसता है और हंसते ही वो फूट जाता है तो ये थी हमारी कहानी स्ट्रॉ शू और बबल के बारे में सो नाउ आई एम रीडिंग द स्टोरी वंस अगेन लिसन टू इट केयरफुली मैं कहानी दोबारा से पढ़ रही हूँ आप ध्यान से सुनिए वंस अपॉन अ टाइम देर लिव्ड अ बबल स्ट्रॉ एंड अ शू वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट फॉरेस्ट मतलब जंगल They came to a river. River Matlab Nadi. They did not know how to cross it. The shoe said, Bubble, let us float on you. No. Shoe, let straw stretch himself from one bank to the other. Then we can cross the river. So the straw stretched himself from one bank to the other. When the shoe jumped on the straw, it broke the shoe fell into the water with a loud splash the bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang to so, ye thi hamari kahani so this was our story in the same page you can see an image उसी पेज पे आप एक चित्र देख पा रहे हैं जैसे ही वो शूज कूदता है स्ट्रॉ के ऊपर वो स्टोर टूट जाता है और वो शू गिरता है और उसी को देखकर वो बुलबुला हंसता है जोर जोर से हंसता है आप चित्र में देख सकते हैं तो ये स्टोरी ये कहानी किसने लिखी है ये कहानी लिखी है एलेक्स टोल्सटॉय एलेक्स टोल्सटॉय ने इस कहानी को लिखा है द स्टोरी इज रिटन बाय एलेक्सई टोल्सटॉय ओके, लेट्स कम टू आर नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट्स रीड चलो पढ़ते हैं आई कैन ब्लो बबल्स आई कैन ब्लो बबल्स बबल्स का मतलब क्या है बुलबुला बहुत सारे बुलबुले को बोलते हैं बबल्स और एक बबल को बोलते हैं बुलबुला तो बबल्स मतलब बुलबुलें आई कैन ब्लो बबल्स मैं बहुत सारे बुलबुलें फूंक सकता हूँ आई कैन वेयर शूज़ शूज़ मतलब जूते मैं जूते पहन सकता हूँ आई कैन वेयर शूज़ लेट्स कम टू आर एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन द नेक्स्ट पेज रीडिंग इज फन रीडिंग इज़ फन नेम द थ्री फ्रेंड्स तो ये कहानी किसके बारे में है तीन दोस्तों के बारे में है तो तीन दोस्तों का नाम क्या था नेम द थ्री फ्रेंड्स द नेम ऑफ द थ्री फ्रेंड्स आप क्या कहेंगे आप क्या लिखेंगे द नेम ऑफ द थ्री फ्रेंड्स आर द स्ट्रॉ द बबल एंड द शू तीन दोस्तों का नाम क्या था द्रा द बबल एंड द शू नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड दे गो वन डे वो तीनों एक दिन कहाँ गए वो तीनों कहाँ गए वो तीनों जंगल में गए ना फॉरेस्ट में गए दे वेंट टू अ फॉरेस्ट द बबल द शू एंड द स्ट्रॉ वेंट टू इं टू द फॉरेस्ट द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू वेंट इन टू द फॉरेस्ट तो ये तीनों जंगल में गए बबल शू और स्ट्रॉ जंगल में गए वॉट डिड दे वॉन्ट टू डू वो तीन, तीनों ने क्या करना चाहा जंगल में जाने के बाद वो तीनों ने क्या करना चाहा सो दे वॉन्टेड टू आंसर होगा दे वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर उन्हें नदी पार करनी थी किसे द स्ट्रॉ द शू और द बबल इन तीनों को क्या करना था इन तीनों को नदी पार करनी थी तो आंसर होगा दे वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर स्टूडेंट्स सो वी विल स्टडी अबाउट चार यहाँ पे चार इमेज दी गई है इसी पेज पे आप देखिए चार इमेज दी गई है चार चारों इमेज के नीचे लिखा गया है कि वो कौन सी जगह है कौन सी पानी की जगह है फर्स्ट वन इज पडल पडल नेक्स्ट इज पोंड थर्ड इज लेको बच्चा टैडपोल हुआ फ्रॉक इमेज के नीचे लिखा गया है कि वो कौन सी जगह है कौन सी पानी की जगह है फर्स्ट वन इज पडल पडल नेक्स्ट इज पोंड थर्ड इज लेक फोर्थ इज रिवर रिवर तो आपको कहाँ से शुरू करना है आपको पडल से शुरू करना है बारिश के दिनों में आपने देखा होगा ना पडल मतलब गड्ढा रास्ते पे चलते हुए आपने देखा होगा कि गड्ढे में पानी भरा हुआ है तो उसी गड्ढे को कहते हैं पडल तो हम पडल से शुरू करते हैं ट्रेस करना धीरे धीरे आप ट्रेस करते जाइए पडल से आपको स्टार्ट करना है धीरे धीरे ट्रेस करके आप पौंड तक पहुंचिए पॉन्ड के पास पहुंचने के बाद धीरे धीरे ट्रेस करिए और नेक्स्ट है हमारा लेक लेक के पास पहुंचिए लेक से फिर लास्ट में हम चलते हैं रिवर पे ट्रेस करते हुए आप लास्ट में जाएंगे रिवर पे और जैसे ही रिवर पे ये पोल पहुँच जाता है यहाँ पर एक दिया गया है रिवर के ऊपर एक बबल दिया गया है देखिए बबल के अंदर लिखा है आई एम अ फ्रॉग नाउ तो जैसे ही टेडपोल रिवर के पास पहुंचता है वहाँ पर लिखा गया है आई एम अ फ्रॉग नाउ आप इमेज में देख सकते हैं इसी पेज पे रिवर के ऊपर लिखा हुआ है आई एम अ फ्रॉग नाउ तो इसी तरह आप धीरे धीरे टैडपोल की जर्नी को ट्रेस करिए और उसे रिवर तक पहुँचाइए लेट्स कम टूअर नेक्स्ट एक्सरसाइज ड्रॉ द बबल्स ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड तो आपको बबल्स ड्रॉ करने हैं ट्रेस करके आपको बबल्स ड्रॉ करने हैं और बबल्स ड्रॉ करने के बाद आपको लेटर्स भी ट्रेस करने हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं ए बी सी D ई एफ जी एच आई जे देखिए बबल्स ट्रेस करने के बाद आपको ये स्मॉल अल्फाबेट्स एक के बाद एक आपको ट्रेस करने हैं स्मॉल अल्फाबेट्स आपको ट्रेस करने हैं बबल्स बन जाने के बाद ये स्मॉल अल्फाबेट्स आप धीरे धीरे ट्रेस करिए अगली एक्सरसाइज बने हुए हैं आपको क्या करना है ये बॉल्स को नंबर के साथ मैच करना है बॉल्स मतलब गेंद आप बाहर खेलने जाते होंगे बॉल्स के साथ स्ट्रेच अ लिटिल नोड योर हेड द तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तो आपको ये बॉल्स जो बने हुए हैं ना अलग-अलग कलर के इसी पेज पे आप देख पा रहे होंगे अलग-अलग रंग के बॉल्स बने हुए हैं आपको क्या करना है ये बॉल्स को नंबर के साथ मैच करना है बॉल्स मतलब गेंद आप बाहर खेलने जाते होंगे बॉल्स के साथ बहुत सारे बॉल्स आते हैं आप तो क्रिकेट भी खेलते होंगे क्रिकेट का जैसे बैट एंड बॉल होता है तो बैट एंड बॉल वही बॉल्स कोई भी टाइप के बॉल्स यहाँ पर अलग अलग कलर के बने हुए हैं देख सकते हो आप तो आप आप लोगों को इसी बॉल्स को नंबर के साथ मैच करना है अलग अलग कलर के बॉल्स बने हुए हैं तो फर्स्ट वन फर्स्ट वन जो ग्रीन कलर के बॉल्स है वो मैं गिन गिन रही हूँ आप सुनिए और मेरे साथ गिनिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो कितने बॉल्स हुए टोटल सेवन बॉल्स हुए तो हमें सेवन के साथ इसे मैच करना है सेवन लिखा गया है ना हमें सेवन के साथ इसे मैच करना है मैच करने के बाद हमें सेवन को ट्रेस करना है हमें सेवन लिखना है इसी तरह नेक्स्ट वाला आपके लिए किया गया है नेक्स्ट वाला जो ब्लू कलर की जो बॉल्स है ना वो आपके लिए की गई है वो एट बॉल्स है टोटल एट बॉल्स है ये Eight balls one two three four five six seven eight तो so, टोटल हुई एट बॉल्स तो आपको एट जहाँ पे लिखा है ना वहाँ उसके साथ इसे मैच करना है मैच कर करते ही आपको एट एट लिखना है एट नंबर लिखना है सो so, ऐसे ही आपको बाकी दो जो बॉल्स बनी हुई है ना ऐसे ही आपको गिन के उसने मैच करना है मैच करके आपको नंबर्स लिखने हैं लेट्स कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज थिंक टाइम सोचने का टाइम लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स पुट देम इन टू अ वाटर से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक तो आप सब इन ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से देखिए ये पेज पे दिए गए हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग वस्तुएं दी गई हैं ये पेज पे अब ध्यान से इस पेज को आप इन पेज पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना अलग अलग वस्तुएं उन्हें देखिए और देखने के बाद आप क्या करेंगे इसे अपने घर पर इस इन्हें एक टब में डालेंगे पानी से भरे हुए टब टब में आप इन्हें डालेंगे डालने के बाद आप देखिएगा ये क्या होता है पानी के बाद डालने के बाद पानी में डालने के बाद आप इन्हें देखिएगा कि कौन सी वस्तु फ्लोट करती है फ्लोट मतलब तैरना ठीक है फ्लोट मतलब तैरना और सिंक मतलब डूबना तो आप ये सभी वस्तुओं को पानी से भरे हुए एक टब में डालिएगा और डालने के बाद आप देखिएगा कि इनमें से कौन सी वस्तुएं तैरती हैं और कौन सी वस्तुएं सिंक कर जाती है कौन सी वस्तुएं डूबती है ओके तो ये सारी वस्तुएं दी गई है पहली है रिबन रिबन क्या होगा रिबन हल्की होती है तो रिबन तैरेगी पानी में तैरेगी फेदर 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 तो बहुत ही हल्का होता है फेदर तो फेदर विल फ्लोट फेदर डूबेगी नहीं फर तैरेगी फेदर, फेदर हल्की होती है इसीलिए तैरेगी नेक्स्ट इज मार्बल मार्बल तो मार्बल का तो बहुत ही वजन होता है तो मार्बल क्या होगा मार्बल डूब जाएगा पानी में तो मार्बल विल सिंक लीफ लीफ मतलब पत्ता पत्ता हल्का होता है इसी लिए वो फ्लोट करेगा पानी में स्टोन स्टोन मतलब पत्थर पत्थर तो बहुत तो उनका बहुत ही वेट होता है तो पत्थर डूब जाएगा पानी में डूब जाएगा आप जब ये एक्टिविटी करेंगे ना अपने घर पे आपको ये एक्टिविटी करते वक्त बहुत ही मज़ा आएगा ठीक है आप इन्जॉय करिएगा अपने मम्मी पापा के साथ ये एक्टिविटी टब में पानी भरिएगा और पानी में ये सारी चीज़ें डालिएगा और चीज़ें डालने के बाद आप देखिएगा कि कौन सी वस्तुएँ फ्लोट कर रही है और कौन सी वस्तुएँ डूब जा रही है सो द नेक्स्ट इज स्टिक स्टिक तो हल्की होती है है ना बच्चों तो स्टिक फ्लोट करेगी नेक्स्ट पेपर पेपर मतलब कागज़ कागज हल्के होते हैं कागज़ हल्का होता है तो कागज तैरेगा फ्लोट करेगा स्ट्रॉ स्ट्रॉ तो बहुत ही हल्का होता है आप जिससे फ्रूटी पीते हैं या फिर फ्रूट जूस पीते हैं तो स्ट्रा स्ट्रा विल फ्लोट नेक्स्ट इज़ शूज़ शूज़ मतलब जूते तो जूते जूते तो बहुत से बहुत से जूते हल्के होते हैं बहुत से वज़न वाले होते हैं तो जो हल्के वाले जूते होंगे ना वो फ्लोट करेंगे और जो वजन वाले जूते हैं वो सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे आप जूते देख सकते हो ब्राउन कलर के शूज़ देख सकते हो तो जो हल्के वाले होंगे ना जूते वो फ़्लोट करेंगे और जो वजन वाले होंगे वो डूब जाएंगे नेक्स्ट वन इज स्पून स्पून मतलब चम्मच तो स्पून को क्या होगा स्पून तो स्पून तो बहुत ही हल्का होता है तो वो फ्लोट करेगा ओके स्पून विल फ्लोट तो आप ये एक्टिविटी अपने घर पर जरूर से करिएगा नेक्स्ट एंड द लास्ट एक्सरसाइज इज लर्न टू राइट Learn to write, draw the well, color it and say the rhyme aloud. तो आपको क्या करना है यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है वेल मतलब कुआं, पानी का कुआं. आपको क्या करना है ये कुएं को ड्रॉ करना है ड्रॉ करके जैसे ही आप ये कुएं को ड्रॉ करेंगे ना आपको कलर करना है अपने मनपसंद कलर से कुएं को ड्रॉ करना है ड्रॉ ड्रॉ करके आपको अपने मनपसंद कलर से इसे भरना है तो कुएँ को ड्रॉ करिए ड्रॉ करने के बाद इसे अपने मनपसंद कलर से कलर करिएगा और कलर करने के बाद एक राइम दी गई हुई है राइम को ज़ोर से पढ़िएगा ओके तो कुएं को ड्रॉ करके आप कलर करना कलर करने के बाद आप राइम को ज़ोर से पढ़ना मैं राइम को ज़ोर से पढ़ रही हूँ आप ध्यान से सुनिए सिंग अबल फैल इन द वैल डिंग डोंग डिंग डोंग बैल अ बैल फैल इन द वैल डिंग डोंग डिंग डोंग बैल आपने सुना ध्यान से सिंग मैं और एक बार गा रही हूँ आप ध्यान से सुनिए अब इन द वैल डिंग डोंग डिंग डोंग बैल तो ये राइम को आप जोर से पढ़िएगा आप कलर करने के बाद कुआ जब बन जाएगा आप उसे कलर करिएगा और कलर करने के बाद आप ये राइम जोर से पढ़िएगा तो ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज थैंक यू